हेलो माय लवलीज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ले लेकर के आई हूँ एक कंपैरिजन जो कि मैंने बैंगल्स परचेज करी थी मीशो से एंड एक सेट मैंने परचेज किया था अमेजोन से। जब मैंने परचेज किया था आपके साथ शेयर भी किया था वीडियो एंड मैंने आपको ये भी बोला था कि जल्द ही मैं दोनों का कंपैरिजन भी लेकर के आऊँगी। फेस्टिवल्स की वजह से थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया, बट यस नेवर टू लेट। आज मैं लेकर के आ गई हूँ यही कंपैरिजन, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ऑल्सो अगर ये वीडियो पसंद आता है, ये कंपैरिजन पसंद आता है, तो जाने से पहले इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। सो दीज आर द टू बैंगल्स जो कि मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। एक सेट है जो मैंने मीशो से परचेज किया है एंड एक सेट है जो मैंने अमेजोन से परचेज किया है। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस है, प्राइस में तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये आपको भी पता है क्योंकि मीशो की ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स पर मिल जाती है एंड अमेजोन की जो ज्वेलरीज होती हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर एंड पर होती ही होती हैं। सो यस, चलिए इसको फटाफट से अनबॉक्स करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो अमेजोन से मैंने लिया था ये है पूरा सेट वाला, ये मैंने जेनिमी ब्रांड से लिया था आई थिंक, या सिक्की ब्रांड से लिया था, मुझे याद भी नहीं आ रहा है एक्चुअली। इसको जब इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाला हुआ है, डिटेल अगर आपको देखना है तो आप उसको बैंगल प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। इसके अंदर जो मुझे ये कॉम्बो मैंने लिया था, इसके अंदर ये चार जो है ऐसी पतली वाली डिजाइन वाली चूड़ियाँ मिली थी, चार एडी की ये पतली वाली चूड़ियाँ मिली थी एंड दो इस तरीके के कंगन मिले थे। सो दीज आर द कंगन जिनको मैं बेसिकली कंपेयर करने जा रही हूँ। वो वाली बैंगल्स कैसी हैं, आठ बैंगल्स वो कैसी हैं, उनको अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बैंगल्स नाम से है उसको सर्च कर लीजिए, उसमें आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। थंबनेल पर ही इसकी पिक लगी हुई है तो आप इजीली पहचान भी जाएंगी। दीज आर द बैंगल्स जो मैंने अमेजोन से लिया था। ये डिज़ाइन एंड पैटर्न डेफिनेटली आपने स्क्रॉल करते हुए ऑनलाइन कई बार देखा होगा। इसमें आप देख लीजिए साइड में जो है आपको पूरा सिल्वर कलर के जो है एडी स्टोन्स के काम मिल जाता है, पूरा स्टोन का काम है एंड जो बीच में है ये गोल्डन कलर से डिज़ाइन एंड पैटर्न काफ़ी ज़्यादा बारीकी से बनी हुई है एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। दीज आर द कड़ा जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, राइट। ये मैंने अमेजोन से लिया, अब मैं ओपन करती हूँ मीशो वाला एंड आपको दिखाती हूँ। मीशो वाला जो मैंने मंगाया था ये फोर के सेट में मिल जाता है, मतलब कि ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, फोर कड़ा सेट मिल जाएगा। दोनों में ही मैंने 2-6 साइज मंगाया था बिकॉज मुझे 2-4 साइज आता है, मैं एक साइज अप लेती हूँ क्योंकि ऑनलाइन में पता नहीं चलता है एंड बार बार रिटर्न करना या रिफंड में डालना मुझे समझ नहीं आता। सो यस, मैं एक साइज अप करके ही ले लेती हूँ, कभी सही आ जाता है कभी थोड़ा बहुत बड़ा होता है तो वो मैनेज हो जाता है, दैट इज़ मैनेजेबल। एंड दीज आर द बैंगल्स जो कि मैंने मीशो से लिया था। देखिए अब इसमें भी सेम आपको साइड्स में मिल जाता है वाइट कलर का स्टोन वर्क पूरा एंड बीच में आपको मिल जाता है ये गोल्डन कलर से डिज़ाइन एंड पैटर्न। डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात बोलूँ तो दोनों ही बिल्कुल सेम टू सेम है, मीशो वाला भी एंड अमेजोन वाला भी। डिज़ाइन की मैं बात करूँ तो दोनों सेम डिज़ाइन है, मीशो वाला भी एंड अमेजोन वाला भी। डिफरेंस कहाँ पर है वो आप देखिए ऑन स्क्रीन। अब आप दोनों के कलर्स में देख लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट येलो है, जो ब्राइट गोल्डन बोलना चाहिए है, ये वैसा सा कलर है। ये थोड़ा डल साइड पे आता है, डिसेंसी के साइड पर आता है। पर्सनली मैं अगर मेरी चॉइस बोलूँ तो मुझे अमेजोन वाला ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इसका जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा है। मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखा देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए मैं लाइट ऑफ करके भी आपको दिखा दे रही हूँ, लाइट ऑन करके तो मैंने दिखाया ही था। ये है मीशो वाला जिसमें आपको जो है ब्राइट गोल्डन कलर मिल जाएगा एंड ये है अमेजोन वाला जिसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर में डिसेंसी बोलूँगी मैं, मुझे ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। सो यस, जो हमारे इंडियन अटायर्स होते हैं, आउटफिट्स होते हैं, उसमें तो इस तरीके का तड़क भड़क वाला चमकीला सा गोल्डन कलर चल जाता है, बट अगर आप वेस्टर्न के ड्रेसेस के साथ में वेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाला ही बैंगल्स ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, ये वाला नहीं जाएगा। आप डिफरेंस देख लीजिए, ये दोनों आपके साथ सामने ही हैं, आप कंपैरिजन खुद से देख लीजिए कि दोनों के कलर में क्या डिफरेंस है एंड क्या चीज़ में फ़र्क है। क्वालिटी की अगर मैं बात बोलूँ तो 19-20 मोर एंड लेस एक ही जैसे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिज़ाइनिंग एंड पैटर्न की बात करूँ तो इसमें जो अमेजोन वाला है इसमें बारीकी का काम ज़्यादा है, ये देखिए आपके सामने ही है।
इसमें ज़्यादा बारीकी का काम है जो है, फिनिशिंग वाली चीज़ मैं बोलूँ तो एज कम्पेयर टू दिस वन ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से लग रहा है, फिनिशिंग वगैरह इसकी ज़्यादा अच्छी है। एंड डेलिकेसी की बात करूँ तो दोनों ही बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको वेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कहीं से भी अटके तो ये डिज़ाइन जो है ये अंदर से देखिए पूरी हॉलो है, ये केवल डिज़ाइनिंग बनी हुई है। दोनों में ये सेम चीज़ ऐसी ही है, तो ज़रा सा भी अगर आपके किसी भी आउटफिट अटायर में अगर ये अटका ना तो ये टूट ही जाने वाला है, ये नहीं रिपेयर नहीं होगा, इसको आप फिक्स नहीं कर पाओगे। तो यस, उसके लिए उस केस में तो दोनों ही एक ही जैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ेगा आपको। ऑल एंड ऑल अगर बोलूँ तो मुझे पर्सनली अमेजोन वाले ज़्यादा अच्छे लगे, नो डाउट ये एक्सपेंसिव हैं तो ये वर्थ इट भी हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल गए थे, अफोर्डेबल रेट पर मिल गए थे। अगर मैं खाली इनको लेती, मैंने इनको नहीं परचेज़ किया होता, तो डेफिनेटली मुझे ये अच्छे लगते, पसंद आते। सिर्फ इनका जो गोल्डन कलर है ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है, जिसकी वजह से मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगे। मेरी प्रेफरेंस लिस्ट में ये वाले फर्स्ट नंबर पे हैं। सो यस, आपको किस में से कौन से वाले अच्छे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑल्सो ये भी बताइएगा कि आप आगे और कौन सी ज्वेलरी, किस तरीके की ज्वेलरी मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, या क्या चीज़ है जो आप चाहती हैं कि मैं रिव्यू करूँ, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए लेकर के ज़रूर आऊँगी। सो यही था आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है ये कंपैरिजन वीडियो तो इसे लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो डेफिनेटली मैं इस तरीके की कंपैरिजन वीडियोज़ आपके लिए और भी लेके आऊँगी, जिससे आपको पता चल सके कि कहाँ से ज्वेलरी खरीदना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जो कि लॉन्ग रन में आपका साथ दे सके। सो यस, यही था आज का वीडियो, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।